और इस वक्त पीओके में हालात बेहद ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लगातार देखा जा रहा है कि सुरक्षा बलों से वहां के लोग, वहां के प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते पाकिस्तान ने इंटरनेट भी बैन कर दिया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और वहां के हालात समझिए। रायबरेली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। योगे कि लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आज वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कर दी थी। आज पीओके की जनता सड़कों पर है, पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोहों की आग बढ़ती जा रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालात ये हैं कि शहबाज सरकार की तरफ से 23 अरब के राहत पैकेज के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा। प्रदर्शनकारी और पाकिस्तान सेना के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हो रही हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना पीओके के प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए लोगों पर फायरिंग कर रही है। पीओके में इस अराजकता का अंदेशा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही जता दिया था। तो मानते हैं पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियां जैसी बन रही है उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे हजारों की भीड़ सड़कों पर है। सबकी सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से छुटकारा। इसकी वजह यह है कि कंगाल पाकिस्तान खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है। आटे के लिए लड़ाई हो रही है, लोग थैलियों में रसोई गैस भर कर ले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीओके के लोगों का पेट कैसे भरेगा? पीओके की जनता अब समझ गई है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उनकी दुर्दशा और बढ़ेगी। पाकिस्तान में छिड़े घमासान के बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर पीओके पर अपना दावा ठोका है। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। ये फारूक अब्दुल्ला हमें डराते, ये मणिशंकर अय्यर डराते और राहुल बाबा चुपचाप मजा दे। पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 नागरिक और 1 पाकिस्तानी सेना के सिपाही के मारे जाने की खबर है। वहां कई पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी गई है, सेना की गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारी फूंक रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया है। उधर पीओके में बिगड़ते हालात को देखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकालीन बैठक कर हालात का जायजा लिया। वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ ने पीओके के लोगों से शांति की अपील की है। डरे हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अराजकता और असहमति की स्थिति में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में ना ले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पीओके में जनता के विद्रोह से साफ है कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन तक उनकी आवाज दबा नहीं सकेगा। टीटीपी ने भी पीओके में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है।
टीटीपी ने तो पीओके के लोगों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार भी उठाने की बात कही है। अगर टीटीपी पीओके के लोगों को सशस्त्र संघर्ष में उतार देती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। देखने वाली बात यह भी है कि पीओके की जनता पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ आती है। अगर ऐसा हुआ तो राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सही साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक टेनरी में लगी भयंकर आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के आईटीओ में लगी भीषण आग, दफ्तर में फंसे कर्मचारियों को खिड़की के रास्ते निकाला गया। एक की मौत, दमकल की 21 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के रामपुर में बुजुर्ग से बर्बरता का वीडियो हुआ वायरल। आपसी रंजिश में बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटते नजर आए आरोपी, गंभीर हालत में बुजुर्ग का इलाज जारी, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 34,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, डीएचएफएल के पूर्व डायरेक्टर धीरज बधावन को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। डिजिटल अरेस्ट यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर एमएचए का देशव्यापी अलर्ट, सीमा पार से साजिश रचे जाने की चेतावनी, 1,000 से ज्यादा स्काइप आईडी की गई ब्लॉक। 4 चरण खत्म होने के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, 380 में से 270 सीट पर मोदी जी ने हासिल किया है पूर्ण बहुमत, अब 400 पार का आंकड़ा करना है पार। यूपी के जौनपुर सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के समर्थन में आए धनंजय सिंह, कहा जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी को मेरा समर्थन, यूपी में अच्छी चल रही है सरकार, बीजेपी को ही दें वोट। हिमाचल के मंडी से नामांकन भरने के बाद रिपब्लिक भारत से बोली कंगना रनौत, कहा पिछले 2 चुनावों की तरह 2024 में भी मोदी सरकार है, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन राम मंदिर बनने वालों के साथ जनता। अमेठी में धर्म की राजनीति पर बयान देकर फंसी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदू आस्था का अपमान कांग्रेस की आदत है। आपने मानी स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना, आप सांसद संजय सिंह बोले सीएम का इंतजार करने के दौरान हुई बदसलूकी, आज बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में उठाया था मामला। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप पर एक्शन की तैयारी, हाई कोर्ट में बोले ईडी के वकील, आपको भी बनाएंगे आरोपी, जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे दाखिल। मनीष सिसोदिया की बेल पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित।